हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं क्या है, बिल्कुल हाउस एक्सप्लोरर्स। हमारा काम क्या है दोस्तों, आपके लिए प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना ताकि आपकी परचेजिंग इजी हो जाए। ये तो हमारा टैगलाइन हो ही गया है और हम काम भी वही करते हैं। अगर आप सर्च कर रहे हैं एक 4 BHK बिल्डर फ्लैट जिसमें लिफ्ट आ रही हो, नीचे स्ट्रीट पार्किंग आ रही हो, मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत पास हो, तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगने वाली है। आज हम चेक करेंगे दोस्तों, एक 4 BHK बिल्डर फ्लैट 4 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ आने वाला है। लोकेटेड होने वाला है आपका ज्ञान खंड इंदिरापुरम में। बात करें इसके साइज की तो कहीं ना कहीं 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज आ जाता है। चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिलेज वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं, दिखाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हो जाता है हमारा लिफ्ट सेक्शन। चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको डेडिकेटेड आपको लिफ्ट देखने को मिल जाएगा। स्टेयर्स की अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं दोस्तों वाइड स्टेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए घर के अंदर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए डोर की, ये देख सकते हैं आपको बाय गोदरेज आपको स्मार्ट जो है आपको लॉक मिलने वाला है। हैंडल देख सकते हैं इसका क्या प्रीमियम हो जाता है। टच सेंसर के साथ में आप इसे ओपन क्लोज कर सकते हैं, ये आपका स्मार्ट लॉक होने वाला है। हम अंदर आ गए हैं दोस्तों, और जैसे कि हम सिक्योरिटी की बात ही कर रहे हैं स्मार्ट लॉक का, तो देखिए यहाँ पे आपको बाय CP+ आपको वीडियो इंटरकॉम देखने को मिल जाता है। अभी ऑपरेशनल देख सकते हैं, यहाँ से नीचे अगर कोई भी है तो आपके प्रमाइसिस के बाहर है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कौन है कौन नहीं है, आप उसे एक्सेस ही से दे पाएंगे। चले दोस्तों, चेक करना हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एंट्री डोर की, कहीं ना कहीं 10 फीट करीब इसकी हाइट आ जाती है। चौखट देख सकते हैं बिल्कुल आपके ब्राउन टोन में है, जो डोर है थोड़ा डार्कर टोन में है, और चौखट काफ़ी एलिगेंट लगती है। जो सारे ये फिटिंग्स दिए गए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, देखिए दोस्तों आपको गोदरेज का ही लॉक देखने को मिलता है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हो जाता है लिविंग रूम। नीचे अगर हम इसके फ्लोरिंग की बात करें तो आपको वाइड साइज आपको डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं हमने जो है इसके जो साइज है वो मेंशन कर रखा है, आपका डीप आपका लिविंग और डाइनिंग आने वाला है। साइज सारे मेंशन है, चेकआउट करें। टाइल्स एलिगेंट लगते हैं, स्पेशियस होने वाला है आपका ये। अगर आप यहाँ पे अच्छा सोफा सेट भी लगाते हैं तभी भी आपको दिक्कत कोई रहेगी नहीं। एंट्री डोर के दोस्तों बिल्कुल आपके जस्ट अपोजिट देखिए, यहाँ पर आपको ये बिग साइज TV वॉल बना के दिया गया है। काफ़ी एलिगेंट लगता है, वॉल पर पूरा अच्छा काम किया गया है। नीचे आपके डेडिकेटेड सेक्शंस आ रहे हैं, पर आपके स्प्लिट AC के लिए प्रोविजन दिया गया है। बिल्कुल ये हमने चेक कर लिया दोस्तों। अगर हम यहाँ पर ऊपर देखें, फॉल सीलिंग का काम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देखिए एक स्ट्रिप लाइट अभी ये थोड़ी चल नहीं रही है, लेकिन ये देखिए क्या एलिगेंट लगता है। आपके स्मार्ट फैंस लगाए गए हैं, और बीचों बीच ये शैंडेलियर आ जाता है और ज़्यादा एलिगेंट हो जाता है। फैन भी अगर हम बात करें दोस्तों, बाय ओरिएंट आने वाले हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम में और क्या रह जाता है, बिल्कुल रह जाता है हमारा ये देखें, यहाँ पर आपको ये बिग साइज मिरर दिया गया है। ये भी टच सेंसर लाइट के साथ में आने वाला है, कलर बदलने वाला मिरर, जो आज के टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग पर भी है। नीचे देखें तो कुछ सेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, आप देखो अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी इसमें। तो दोस्तों ये तो हमारा लिविंग रूम हो गया। अगर हम बात करें एंट्री से, आपको लेफ्ट साइड में 2 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं, राइट साइड में 2 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। आइए चलिए पहले हम इस बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, बेडरूम का साइज अच्छा आने वाला है, मेंशन सारे किए हैं हमने। ये देखिए बेडरूम का साइज देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा वहीं रखें। ये देखें क्या साइज मिलने वाला है यार आपको, ये कुछ साइज आएगा आपका। और इसकी USP क्या है दोस्तों, इसमें क्योंकि जो वार्डरोब है आपका वॉल माउंटेड होने वाला है, वॉल के अंदर दिया गया है तो बाहर कोई जगह लेगा नहीं। ये देख सकते हैं आपकी स्ट्रिप लाइटिंग के साथ में आ रहा है, जैसे ही देखें रात को भी ओपन करते हैं तो ये लाइट्स अच्छे से जलती है ना, एलिगेंट लगता है। अगर मैं इसके क्वालिटी की बात करूँ, HDMR क्वालिटी गुड रहने वाला है, स्टडी रहने वाला है, डीप वार्डरोब रहेगा आपका। 3-डोर वार्डरोब देखने को मिलेगा। अगर कलर टोन की बात करें, ग्रेइश और ब्लू स्टोन में मैचअप करता है, अच्छा लगता है। दोस्तों ये वॉल है, इस पर भी देखिए काम अभी चल रहा है, फिनिशिंग अप पर है ये। यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा। ये देखिए बैक ऑफ दी बेड हो जाएगा, एलिगेंट लगेगा आपका बेड, कुछ इस तरीके से प्लेस होगा। जो ये आपके दिख रहे हैं ना, ये दोनों स्विचेस दिख रहे हैं, इसके बीचों बीच आएगा, तो आपके लेफ्ट साइड में भी आपको प्रॉपर जगह मिलेगी, राइट साइड में भी प्रॉपर जगह मिलती रहेगी। यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो दिया गया है, तो क्रॉस वेंटिलेटेड रहने वाला है। यहाँ से शाफ्ट का एरिया आपका ओपन होता है।
दोस्तों यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से आपको वॉशरूम के लिए एक्सेस मिल जाता है। इस बेडरूम से एक अटैच वॉशरूम हो जाता है, प्लस आप इसको लिविंग रूम से भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, वो तो हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए जितने भी पूरे घर में जितने डोर्स दिए गए हैं एक्सेप्ट आपका एंट्री डोर, सारे आपको सेम पैटर्न में ही आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे और जो डोर का जो लुक एंड फील है यही रहने वाला है। आए दोस्तों, हम इस वाले वॉशरूम की बात कर रहे थे जो भी हमने आपको इधर से दिखाया ना कि ये डोर आ रहा था, देखिए ये है वो डोर और ये हो जाता है वॉशरूम। वॉशरूम देख सकते हैं एलिगेंट रहने वाला है, स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ पर आपका देखिए वैनिटी विद मिरर आ रहा है, वॉश मशीन आ रहा है और ये देख सकते हैं हिंडवेयर का इटालियन कलेक्शन लगाया गया है। दोस्तों जितनी भी बाथ फिटिंग्स हैं सारी सारी सैनिटरी फिटिंग्स भी बाय हिंडवेयर आने वाली हैं आपकी। लेफ्ट साइड में यहाँ पे कमोड सेक्शन आ जाएगा, ये हो जाता है आपका शावर एरिया। यहाँ पर ये जो शावर एरिया में जो जितनी सी फिटिंग्स हैं सब बाय पैरीवेयर होने वाली हैं। टाइल्स भी एलिगेंट लगते हैं और रूफ के साथ में ये आपका जो है वॉल हैंगिंग आपको शावर देखने को मिलता है। चले दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिया पहला बेडरूम, चले अब हम इस तरफ वाला बेडरूम भी आपको दिखा देते हैं। आइए दोस्तों देखिए ये हो जाता है आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम भी एलिगेंट लगता है, इसकी भी यूएसपी दोस्तों यही है कि ये भी आपके वॉल के अंदर बना हुआ है तो बाहर कोई जगह लेगा ही नहीं, तो इसकी यूएसपी मेन यही हो जाती है कि जितने भी रूम साइजेस अगर है ना, जो जो भी साइज आ रहा है इसका तकरीबन 11x10 जो भी साइज आ रहा है नीचे मेंशन है, तो आपको प्रॉपर वो रूम स्पेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कबर्ड बाहर आ गए तो आपका रूम स्पेस खा लिया, नहीं प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ देखिए अच्छा इस पर जो है टेक्सचर किया गया है, एलिगेंट लगता है, पीओ फिनिश वर्क है, एलिगेंट दिखता है ये। अगर मैं बात करूँ उसके हैंडल की ये भी अच्छा दिखता है, वुड तो सारा एचडीएमआर क्वालिटी होने वाला है, डीप पॉट नॉब इसमें भी आपको मिल जाएगा। ये आपका बैक ऑफ द बेड का वॉल होगा, इस पर भी आपका कुछ ना कुछ वॉलपेपर या फिर कुछ ना कुछ पेंट अच्छा ही काम आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको विंडोज दिए गए हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, देख सकते हैं यहाँ से आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडोज दिए गए हैं, प्लस ये आपका डोर आ रहा है। चलिए ये तो हम आपको बालकनी आपको लास्ट में दिखाते हैं, पहले हम और एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों बेडरूम के एडजेसेंट बिल्कुल हमें ये हमारा किचन देखने को मिल जाता है। किचन में बहुत सारी खासियतें हैं आपको दिखाते रहेंगे, देखेंगे ना तो एल शेप स्लैब के साथ में आने वाला है। रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा पीछे जाएं और एक बार किचन का एरिया चेकआउट करा दें। देखिए किचन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्पेशियस ना हो तो मजाक रिकिरा हो जाता है। अगर आपके घर में मेड है तो उसके लिए सेपरेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ड्यूअल सिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ड्यूअल सिंक आ रहा है तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है। अगर आप देखें ना स्लैब देखें, देखिए वाइट कलर के कुछ स्पार्कल्स इसमें आते हैं जब लाइट जलती है ना, तो इस पर ना कुछ चमक अलग से ही आ जाती है, काफ़ी एलिगेंट लगता है। यहाँ पे भी जो टाइल वर्क है एलिगेंट लगता है, जो ये स्ट्रिप लाइटिंग आ रही है ना दोस्तों ये इसकी खूबसूरती को ना और ज़्यादा एनहेंस करता है। ये टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं लेकिन हाँ सच में अगर आप देखेंगे रात में अगर ये जो किचन लिट रहता है ना तो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसी के साथ दोस्तों आपको प्रीफिटेड ये चिमनी देखने को मिल जाएगा, बाय हिंडवेयर आने वाला है। देखिए कुछ सेक्शंस तो इसमें आपके वुड में बनाए गए हैं जो इसके कबर्ड्स आ रहे हैं, कुछ आपके ये ग्लास मेड हैं ये देख सकते हैं। इन सभी भी अगर आप ये देखेंगे सब एचडीएमआर क्वालिटी वुड रहने वाला है और ये देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक के साथ में आएगा, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये सब आपका टफ एंड ग्लास होने वाला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, टफ एंड ग्लास है ये आपका। ये देखें वो बुझा के चेक कर सकते हैं आप, चीज़ें अच्छी लगाई गई हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, आपको यहाँ पे देखिए ये विंडो देखने को मिल जाता है और देखिए विंडो जो आपका बालकनी है ना यहाँ तक आपका कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ से भी अगर आप खड़े हैं तो बाहर से भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ और यूएसपीज़ हैं। देखिए अगर आपके माइक्रोवेव है, ग्रिलर है आपके पास में, चीज़ें हैं वो टीजी है तो उनके प्लेस करने के लिए पहले से जगह दिए गए हैं, डेडिकेटेड सेक्शंस हैं ये देख सकते हैं, सब सॉफ्ट सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आने वाला है, ये मॉड्यूलर किचन होने वाला है। और यहाँ पर क्या है बिल्कुल जो आजकल ये बिल्कुल नीड हो गई है, नेसेसिटी हो गई है दोस्तों, ये है आपका पेंट्री सेक्शन। कुछ आपके दाल के जार हैं, आपके जैम के बॉटल्स हैं, केचअप्स हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज होती है ना दोस्तों आप यहाँ पर आराम से प्लेस कर सकते हैं। पल्सेस हैं, उनके डब्बे हैं, आप आराम से यहाँ पे रखें, ऑर्गेनाइज्ड वे में भी रहता है, अच्छा भी लगता है। अगर मैं दोस्तों नीचे की बात करूँ, देखिए सारा का सारा आपका ये देखेंगे तो ग्रेइश टोन में है, सब आपका मॉड्यूलर किचन होने वाला है, देख सकते हैं इसमें तो डेडिकेटेड सेक्शंस दिए गए हैं, कुछ कटलरीज हैं, स्पूंस हैं, जो भी हैं आप आराम से उस जगह पर रख सकते हैं, नाइफ रखें कुछ रखें तो सब डेडिकेटेड सेक्शंस के साथ में आएगा, ये देख सकते हैं। इनमें भी जो वुड है दोस्तों सब एचडीएमआर क्वालिटी वुड रहने वाला है, ये देख सकते हैं सब एचडीएमआर क्वालिटी वुड है।
इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें इसमें डेडिकेटेड सेक्शन से बना के दिए गए हैं। तो आपके कुछ प्लेयर्स है, कुछ भी रखना है तो आप आराम से यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ये सब तो दोस्तों हमने आपको चेकआउट करा ही दिया है, तो देख सकते हैं अच्छा साइज आ रहा है। और क्या रहता है, बिल्कुल दोस्तों ये रहता है, देखिए बिग साइज फ्रिज है आपके पास, डबल डोर भी है, तभी भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, अच्छी जगह देखने को मिलेगी। जो इसकी एंट्री पे ही दोस्तों हमें जो चौखट देखने को मिलती है ना, और ज़्यादा एलिगेंट लगती है, ब्यूटीफुल लाइट लगाया गया, प्लस इसमें देख सकते हैं फैन आपका आ रहा है। और उससे पहले ही अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ डेडिकेटेड सेक्शंस हैं, यहाँ पे ये लाइट जलती हैं, तो कुछ भी अगर आपको शोपीस रखे है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा किचन, हमने इसकी बहुत तारीफें कर ही दी हैं, चले हम ये तीसरा बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हो जाता है तीसरा बेडरूम, साइजेस तो सारे नीचे मेंशन है, लेकिन मैं सच में इनकी तारीफ इस वजह से भी कर रहा हूँ कि इन्होंने अच्छे से बहुत सही तरीके से बनाया है इसको। अगर हमने जैसे अभी तक दो बेडरूम देखे हैं, उनमें जो वार्डरोब्स है ना अंदर ही जा रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो देखिए वॉल के अंदर ही है, तो ये जो स्पेस है ना आपको प्रॉपर यूजेबल स्पेस मिलता है। बेड भी अगर आपका प्लेस है तभी भी आपको कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ये आपका डीप आपका बेडरूम होने वाला है, तकरीबन कहीं ना कहीं ये 14x तकरीबन 10.5 या समथिंग कुछ ये साइज जाएगा, मेंशन किया हुआ है, लेकिन देखिए प्रॉपर आपको ये यूजेबल स्पेस मिलेगा। यहाँ पे अभी देखिए दो वर्क चल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्सचर पेंट या वॉलपेपर ही आएगा, लाइट लगा दी गई है, और देखिए यहाँ पर आपको एसी के लिए यहाँ पर भी आपको फिटिंग दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों वार्डरोब देखे हैं, तो देखिए इसमें ये आपका तकरीबन 5 डोर वार्डरोब आ रहा है, देख लेते हैं आइए, ये देख सकते हैं क्या एलिगेंट लगता है, सब डीप वार्डरोब रहने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो ना, ये स्ट्रिप लाइट आ रही है, अभी फिटिंग लगाई नहीं गई है, जब ऐसी से ओपन करेंगे ना कि लाइट आपकी अपने आप ऑन हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपका मेरे ख्याल में मेटल है, ये तो मेटल है, ये CPVC या फिर मेटल में ही है, क्योंकि वुड में नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। ये रोज गोल्ड पैटर्न का जो आ रहा है ना ओपनिंग के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है, प्लस इसके ऊपर जो पैटर्न वर्क है ना एलिगेंट लगता है। इसके बगल में बिल्कुल क्या आता है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीड में आ जाता है, घर में मैम है वाइफ है उनके लिए एक डेडिकेटेड चाहिए कि उनको ड्रेसिंग मिल जाए। और ये देखिए कितना अच्छा ड्रेसिंग बना हुआ है, इसमें अच्छा भी दिख रहा है, और जो कलर पैटर्न है ना ये भी सब रोज गोल्ड पैटर्न में आ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और क्या है दोस्तों इसकी USP, देखिए बेडरूम है तो उसके साथ आपको अटैच वॉशरूम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, देख सकते हैं अच्छे साइज़ का आ रहा है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये आपका वॉश बेसिन आ जाएगा, ये भी टच सेंसर लाइट के साथ में आता है, कलर बदलने वाला मिरर आजकल फैशन में ही है सच में ये। यहाँ पर आपको इटालियन कलेक्शन की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो फिटिंग लगी हुई हैं, हैंडवेयर की फिटिंग्स लगी हुई हैं, ये भी आपका देखिए इटालियन कलेक्शन होने वाला है, यहाँ सब ये हैंडवेयर की फिटिंग्स लगाई गई हैं, देख सकते हैं टाइल्स के कलर अच्छे हैं, ग्लॉसी टाइल्स होने वाले हैं, क्रीमी स्टोन में है ये, वॉल से लगता हुआ शावर आ जाता है आपका, हाइट अच्छी दी गई है इसकी, और सब आपका हैंडवेयर की फिटिंग्स होने वाली है। नीचे के टाइल्स की बात करें तो जो ये वाले टाइल्स है ना आपके, थोड़े से ये लाइटर आपके ऑफ वाइट कलर शेड में है, अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी हमें विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए, चलिए इस एरिया को भी आपको दिखाते हैं, हो सकता है लाइट थोड़ी सी आपको कम दिख रही हो। ये हो जाता है दोस्तों आपका बैक यार्ड, या ऐसे बैक बालकनी कह सकते हो आप, लेकिन पूरा यूजेबल एरिया मिलने वाला है आपको दोस्तों। ये देखें ये प्रॉपर आपको स्पेस मिलेगा, और नीचे देखें तो पूरा नीचे आपका वुड स्टाइल टाइल्स लगाए गए हैं, आपका अच्छा खासा आपका वॉशिंग एरिया, आपका यूटिलिटी रूम, आपका स्टोर रूम भी क्रिएट हो सकता है, यहाँ फिटिंग्स भी सारी दिए गए हैं, अच्छा दिखता है। यहाँ पे हमें ये 4th बेडरूम देखने को मिलता है, चलिए उसके तरफ भी हम बढ़ते हैं, लेकिन देखिए साइज़ बहुत अच्छा है इसका सच में, आप आएँ तो ज़रूर चेकआउट ज़रूर करें इस एरिया को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर के अंदर प्लेस नहीं करना चाहते, आपको स्टोर रूम चाहिए होता है तो वहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर आप अपना जो है अपना डाइनिंग एरिया हो जाता है आपका, अगर आप चाहे तो डाइनिंग एरिया को कुछ इस तरीके से प्लेस करें, डाइनिंग जो है आपका डाइनिंग टेबल, या फिर आप इस तरीके से प्लेस करें आपकी विश है, लेकिन आपको एरिया अच्छा मिल रहा है। इसमें भी फॉल सीलिंग का काम अच्छा देखने को मिलेगा, फैन वही है जो आपको लिविंग रूम में देखने को मिल रहे थे, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में देखिए प्रीमियम आपको लाइट्स लगाए गए हैं, अच्छे दिखते हैं। चले
ये तो हमने चेक कर लिया है। अब हम इसके चौथे बेडरूम की तरफ चलते हैं और उसको भी एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं इस डोर को ओपन करता हूँ ना दोस्तों, तो हमने अभी जो चेक किया था ना, इसका जो बैक यार्ड, जिसे हम बैक बालकनी भी कह रहे थे, यहाँ पर आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको विंडोज तो दिए ही गए हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। साइज इसका भी अच्छा आ रहा है, साइज में कोई कमी है नहीं। बस इसी बेडरूम में है कि जो आपके वॉल माउंटेड नहीं है, फिजिबिलिटी ओपन नहीं थी, नहीं होकर होता तो शायद इसमें भी कर देते, लेकिन फिर भी साइज इसका भी अच्छा है आपका गेस्ट रूम के तौर पर, आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे या फिर आपका किड्स रूम भी बन जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए इसमें फोर डोर वार्डरोब आ जाता है अपना, सर एचडीआर क्वालिटी गुड में, और थिकनेस अच्छी है इसकी, देख सकते हैं थिकनेस अच्छी है, स्ट्रिप लाइटिंग के साथ में आ रहा है, एलिगेंट लगता है। अगर दोस्तों नीचे की हम इसमें भी फ्लोरिंग की बात करें, सभी बेडरूम में वही सेम फ्लोरिंग है जो हमें स्टार्टिंग से ही लिविंग रूम में सब जगह दिखा है। स्पेस अच्छा आने वाला है, साइज मेंशन है, चेकआउट ज़रूर करिएगा। इसकी यूएसपी क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिलता है। ये चेकआउट करते हैं, ये देखें, ये भी टच सेंसर लाइट के साथ में आने वाला है, वैनिटी विद मिरर हो जाता है, पैरी ये आपके इटालियन कलेक्शन के हैं, हैंडवेयर के लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको कमोड आ गया, ये आ गया आपका शावर सेक्शन, ये वॉल से लगता हुआ आपका शावर आ रहा है ना, हैंगिंग शावर है, अच्छा लग रहा है। ये आपके सारे ग्लॉसी टाइल्स होने वाले हैं आपके ग्रे स्टोन में। तो दोस्तों ये तो हमने पूरे घर को चेक कर लिया, अब यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, आइए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमें ये बालकनी देखने को मिल जाता है, जो अभी हमने आपको बेडरूम चेकआउट कराया था ना, सेकंड बेडरूम, यहाँ से हम बता रहे थे कि आप बालकनी तक आ सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको याला बालकनी देखने को मिलेगा, डबल रोड फेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये हो जाता है बाहर का कुछ लुक एंड फील, ओपन टू स्काई बालकनी देखने को मिलता है आपको, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ नहीं रहा है। तो दोस्तों अगर हम नीचे इसमें फ्लोरिंग की बात करेंगे, तो वही देखिए वुड स्टाइल टाइल्स लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी एलिगेंट लगते हैं। यहाँ फिटिंग्स दिए गए हैं, अगर आप इसे चेकआउट करें तो देखेंगे तो यहाँ फिटिंग्स लगे हुए हैं। तो अगर आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ फेसिलिटी ओपन है। यहाँ ये आपका किचन आ रहा है, ये आपका जो हमने सेकंड बेडरूम दिखाया था, यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ बेडरूम में अगर आप हैं तो आप यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं ये पूरी ग्रिलिंग वर्क दी गई है। अगर मैं बात करूँ ना, देखिए इसकी हाइट अच्छी दी गई है, ये इसकी कुछ हाइट हो जाती है, तो बच्चे हैं घर में तभी भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। दोस्तों इसकी यूएसपी क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो सारे फ्लोर्स हैं ना वो अवेलेबल हैं, तो अगर आप इसके ऊपर वाले फ्लोर्स पे भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो फिजिबिलिटी ओपन है, डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे। प्राइसिंग के लिए नंबर तो हमने डिस्प्ले कर ही दिया है, करंट प्राइस लेने के लिए नंबर पर कॉल करें, और सर करंट प्राइस ज़रूर लें। स्पेशियस होने वाला है, मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत पास होने वाली है, मेट्रो से दूरी की बात करें तो कहीं ना कहीं 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। अगर मैं NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करूं तो यहां से दूरी हार्डली आपकी 1 किलोमीटर के अंदर हो जाती है। प्रीमियम स्कूल्स की कमी नहीं है दोस्तों, मोर देन 50 स्कूल्स आपको इंदिरापुरम एरिया में मिल जाएंगे, वो भी सारे के सारे आपको प्रीमियम स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो 75 से ज़्यादा हैं। पार्क की कमी नहीं है दोस्तों, पार्क नियर अबाउट विसिनिटी में सारे देखने को मिल जाते हैं। शॉपिंग एरियाज की तो कोई कमी है ही नहीं, चाहे आप इधर की तरफ शिप्रा चले जाएं, अब तो उसका नाम भी नॉर्थ इंडिया मॉल हो गया है। डी मार्ट दोस्तों पास में मिल जाता है, डेली ग्रॉसरीज के लिए सारी चीज़ें आपको फिजिबिलिटी ओपन है, इमरजेंसी सर्विसेज भी सब नियर अबाउट एरिया में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट जो हम आपके लिए लेके आए थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, हमने इसमें प्रॉपर्टी कोड मेंशन किया हुआ है, अगर आप इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी कोड आप हमें बता सकते हैं ओवर द कॉल, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको उसी के अकॉर्डिंग असिस्ट करे, आपको विजिट कराए और आपको ये जो डील है बिल्कुल निचोड़ के दे, ताकि आप अपने 4 पैसे भी बचा पाएँ। सारे पेपर वर्क की जिम्मेदारी हमारी टीम की रहती है, A to Z सारा वर्क हमारी टीम आपके लिए करेगी, हार्ड वर्क आपके लिए करती रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वक्त आ गया है चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, ऐसी प्रॉपर्टी को हम सर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी भी देखेंगे तो दिन का टाइम है, धूप काफ़ी है, फिर भी हम वर्क करते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए कुछ अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टीज़ को सर्च करते रहें। तो चले दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।